मिसी कॉम को 14 अगस्त के हवाले से क्या मैसेज देंगे? 14 अगस्त पाकिस्तान का एक बहुत अहम दिन है, जिस पाकिस्तान को कायदे आजम ने सबके लिए बराबर का बनाया है, ये उसका जश्न मनाने के लिए बराबरी का दिन है, मसावात का दिन है। और इसमें ये सोचना है कि आया पाकिस्तान जिसे 77 ईयर्स हो गए हैं, इसमें आज़ादी है, यकीनन आज़ादी है। हम एक दूसरे को कत्ल कर सकते हैं, हम दूध में पानी डाल सकते हैं, हम जैली दवाइयां दे सकते हैं, हम किसी पे इल्ज़ाम धर के उसके घरों को जला सकते हैं, हम किसी पे इल्ज़ाम लगा के उसे फांसी तक ले जा सकते हैं। हम तो बहुत आज़ाद हैं, हमें तो इस आज़ादी के लिए, जिस आज़ादी की हम बात करते हैं, शायद कैद आज़म यहाँ होता तो ये सोच कर देख कर मर जाता। ये जश्न आज़ादी जो है हमें याद दिलाता है कि हम देखें किस किस्म का जश्न मना रहे हैं। हम अपनी कब्रों पे अपना जश्न मना रहे हैं, हमारे दिलों में जो अरमान है, हमारा रोना धोना जो है, हमें खाने को नहीं मिलता, हमें पीने के लिए नहीं मिलता, हमें रोशनी के लिए कुछ नहीं है, हमारे जीने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर भी हम जश्न मनाते हैं। हम कितने अच्छे लोग हैं और कि हम जश्न में घिरे रहते हैं और जश्न की बात करते हैं। यहाँ जश्न नाम का तो शायद कोई और नाम देना चाहिए, 14 अगस्त को कोई और नाम देना चाहिए। हमारी तजदीद का दिन है, हमारे अहद का दिन है, हमें आज अहद करना है कि कायदे आजम ने जो हमें पाकिस्तान दिया था, उस पाकिस्तान के लिए हमें काम करना है। हम अपने अपने कामों में, अपनी बातों में हम खोए हुए हैं। आप सबको ये जश्न मुबारक हो, इसलिए सबके लिए आज़ादी का पहलू पाया जाता है। रीपा साहब, 14 अगस्त के हवाले से कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो जितने लोग हैं हम सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा तवाब यही है कि जिस वतन में हम रह रहे हैं उसके लिए हम दिलो जान से कोशिश करें कि इस वतन की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए और बकाओ सलामती के लिए इकदाम करें और इस मुल्क को हम वो मुल्क बनाएं जिसका ख्वाब अल्लामा इक़बाल ने देखा था और जिसके बनाने के लिए कायदे आज़म ने जद्दोजहद की थी। हमारी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम भी इस मुल्क के लिए काम करें और काश पर जो हमारे यूथ है उस पर काम करें ताकि हमारा ये जो मुल्क है लेकिन दुनिया ना चली जाती है पाकिस्तान के बाद। कौम को एक छोटा सा पैगाम ये है कि आप इसको जश्न आज़ादी में बदल सकते हैं अगर आप लगन से मेहनत करें, काम करें, एजुकेशन हासिल करें, स्किल हासिल करें और मुल्क में बाहर से रेवेन्यू लेके आए और मुल्क में अपना कंट्रीब्यूशन करें। वैसे तो मसीही कौम का पहले ही अपने वतन अजीज में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हमें इस रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है और मुल्क में और ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन करना ताकि हम अमली तौर पर जश्न आजादी जो है वो मना सके। मैं किसी भी कौन को ये कहना चाहता हूँ कि साबित कदम बढ़ी, मेहनत करें, पाकिस्तान हम सबका है और हम सबने ही जो है इसको मिलकर करना है, कोशिश करें कि अपने तमाम जो चैलेंजेस उससे जुलत के साथ जो है उन पर काबू पाए और हम जीत कर सकते हैं। जो हिम्मत है नाते में इंसान को ना मजहब के जेड़ों में उलझाओ पाकिस्तान को, कौमियत परचम से जाहिर और मजहब नाम से, कौम हम सब एक हैं, मजहब में रख ईमान को। और फिर अगर फिरौनियत का दौर ताजा हो गया, फिर कोई आएगा मूसा जीतने ईमान को। तुमसे बढ़कर हमने दी कुर्बानियां जब वक्त था, और तुमसे बढ़कर अब भी रखेंगे वफा की शान को। और कार्ड में मजहब के खाने से जुदा हो जाएंगे, क्यों करोगे पूरा तुम फिर इस बड़े नुकसान को।
हम भी पाकिस्तान हैं और तुम भी पाकिस्तान हो, हम भी पाकिस्तान हैं और तुम भी पाकिस्तान हो। हम नहीं चाहते गंवाना अपनी इस पहचान को, और छीन लेना चाहते हो तुम हमारी आम को, छीन लेना चाहते हो तुम हमारी आम को। अरे बाप की जमीन समझा तुमने पाकिस्तान को। बढ़ गए आगे कदम, पीछे हटेंगे क्यों निशात, बढ़ गए आगे कदम तो पीछे हटेंगे क्यों निशात, टूटने देंगे ना हम फिर कलवरी के मां। आज 14 अगस्त है, काश ये 14 अगस्त वही 14 अगस्त होता जब पाकिस्तान बना था। आज ना वो 14 अगस्त रहा है ना वो पाकिस्तान रहा है। क्या हो रहा है आज इस पाकिस्तान में, ना किसी की इज्जत महफूज है, ना किसी का घर महफूज है, ना किसी की जान महफूज है, ना हम इंसानियत है हमें। हम इंसान हैं, सबसे बेहतरीन है कि हम इंसान बन जाए। पाकिस्तान हमें खुदा ने दिया, ये आजादी का दिन है, हम इसको मनाते हैं। हम आजाद हुए इस दिन, आजाद इसलिए नहीं हुए थे कि हम आकर यहाँ अपने मुल्क में ही इतनी करप्शन शुरू कर दें, अपने मुल्क में झूठ फरेब और महंगाई इस जैसी ये वबाएं हमारा अपने मुल्क में फैलाए। हम कलाम मुकद्दस में भी लिखा हुआ है कि दूसरे को अपने से बेहतर जाने, ये अगर हम करेंगे तो मजहब भी, इंसानियत भी और पाकिस्तान भी और 14 अगस्त भी, सारे जिंदाबाद। 14 अगस्त से मेरा मसीही कौम को यही पैगाम है कि हम पाकिस्तान के बराबर की शहरी हैं और कभी भी कुछ कोई यहाँ पे ऐसा इंसिक्योरिटी कम्प्लेक्स में ना आए, ना ही अपनी कम्प्लेक्स में आए। बिल्कुल हम बराबर की शहरी हैं और बराबर की शहरी होंगे अपने हकूक के लिए आवाज और साथ में अपने और मौजूद है जो यंग यूथ लीडर के प्रेसिडेंट है। यशवा साहब, कौम को क्या मैसेज देंगे? तमाम तर नौजवानों को इनकरेज करना चाहता हूँ कि उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बनाने में जिस तरह अकेलियों का किरदार था, और मेरी उम्मीद है कि पाकिस्तान को संभालने में इंशाल्लाह मुस्लिमों का किरदार, अकेलियों का किरदार, बिलखसूस मसीहियों का किरदार, नौजवानों का किरदार काबिल कबूल होगा। और मेरी आज के दिन तमाम तर मसीह नौजवानों से तमाश है कि वो जरूर सियासत का पॉलिटिक्स का हिस्सा बनकर अपने मुकदमात को, अपनी भूख की जंग को लड़ें। जी सर, मसीह कौम को 14 अगस्त के हवाले से क्या मैसेज देंगे? जी, मैं 14 अगस्त के हवाले से अपनी सारी कौम को और स्पेशली हमारी जो रसीही कम्युनिटी उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि हमारा जो किरदार है पाकिस्तान के क्याम में, दफा में और इसकी तामीर में हमारा मसीहियों का बड़ा किरदार रहा है, और तमाम मसीहियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ के इस दिन के हवाले से उनके किरदार को सराहता हूँ, और इस मुल्क के लिए दुआ दो है कि ये मुल्क तरक्की करे और इसमें मसीहों का एक अहम किरदार है। जी नाज़रीन, हमारे साथ सबका MPA साहब हकूक गिल साहब मौजूद हैं। सर, मसी कौम को 14 अगस्त के हवाले से क्या मैसेज देंगे? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पाकिस्तान 14 अगस्त योम आज़ादी का दिन, और ये आज़ादी हमारे बड़ों ने अंग्रेजों से ली थी, हमें इसको मजहबों में तकसीम नहीं करना। ये मुल्क जो है ये तमाम इस मुल्क में बसने वालों का मुल्क है, उसका किसी मजहब से ताल्लुक हो, किसी रंग से, किसी नस्ल से, जो इस धरती का रहने वाला है, जो जिसकी ये धरती है, जो उसका पाकिस्तान है, और उन सबको जो इस पाकिस्तान में बसते हैं योम आज़ादी मुबारक। जी पर साहब, मसीह कौम को आप 14 अगस्त के हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही पैगाम दूंगा कि चूंकि पाकिस्तान को बनाने में मसीहियों का हाथ है और कोशिशें हैं, कुर्बानियां हैं, पाकिस्तान को संभालने के लिए मसीहियों की कुर्बानियां हैं और मसीहियों की खिदमत हैं, और मैं यही पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान को
आखिर तक संभालने के लिए अहम किरदार अदा करें, लेकिन उन लोगों की तरफ ना जाए जो पाकिस्तान को बनाने वालों और पाकिस्तान को कायम रखने वालों और पाकिस्तान को ऊपर ले जाने वालों और पाकिस्तान के लिए धुआएं करने वालों से ज्यादा जो डाकू चोर खुश हैं। शायद वो इसलिए खुश हैं कि अंग्रेज का दौर था तो हम इस तरह डाके नहीं मार सकते थे, अंग्रेज का दौर था तो हम एक दूसरे को कत्ल नहीं कर सकते थे, अंग्रेज का दौर था तो हम काम नहीं तोड़ सकते थे, अंग्रेज का दौर था तो हम बदी नहीं कर सकते थे, अंग्रेज का दौर था तो हम किसी को धमका नहीं सकते थे, परेशान नहीं कर सकते थे। और आप वो ज्यादा खुश होते हैं उन लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान को कायम रखा और जिन्होंने पाकिस्तान की जो सालमियत है उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी और अभी भी दुआ करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मसीहियों को पाकिस्तान उजाड़ने वालों की तरफ नहीं गौर करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान बनाने वालों और पाकिस्तान को कायम रखने वालों की तरफ गौर करके उनके साथ मिलकर तो हमें खुशी मनानी चाहिए कि खुदा ने हमें ये आजाद रियासत हमें दी और पाकिस्तान मुल्क जो है वो 14 अगस्त 1947 को एक दुनिया के नक्शे में आया। तो इसके लिए मैं इसकी बहुत बहुत सब मसीहियों को मुबारकबाद देता हूँ और खुदा का शुक्र है कि मसीह कोई हिजरत करके नहीं आया, वो यहाँ के पास ही है और उन्होंने यहीं से ये सारा काम किया है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बहुत बड़ी यानी ये मुबारकबाद है पाकिस्तान के लिए कि मसीहियों ने कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल बनाए और बाकी भी मुख्तलिफ किस्म के फील्ड्स में काम किया पाकिस्तान की सालियत के लिए। आप सबको पाकिस्तान की जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक।